हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हमारे जीवन के हिस्से में। आज हम बना रहे हैं एक नया नाश्ता। इसे बनाने के लिए हमने गोभी को उबाल लिया है। देखिए, छोटी छोटी पीसों में कट करके दूसरी साइड हमने सब्जियां ली थी, जिसमें हमने अदरक लहसुन और मिर्च का पेस्ट बना लिया है, धनिया को काट लिया है, प्याज को काट लिया है। अब हम गोभी वाले थाल में सारी सब्जियां डाल लेंगे। देखिए, हमने बारीक काटा है और पेस्ट भी बारीक बनाया है। बिल्कुल एक कटोरी आटा लिया हमने, भर के बिल्कुल एक दो से तीन पिंच हींग ले रहे हैं, स्वाद अनुसार नमक ले रहे हैं आधा चम्मच के समथिंग। एक चम्मच हम जीरा लेंगे, अजवाइन और सौंफ आधा आधा चम्मच लेंगे, जिन्हें हम हथेलियों से क्रश कर लेंगे। आधा चम्मच के समथिंग काली मिर्च लिया है हमने, काली मिर्च पाउडर लिया है। देखिए, पहले हमने हरी मिर्च ले ली थी तो चटपटा अधिक हो जाएगा, इस वजह से हमने काली मिर्च आधा चम्मच के समथिंग लिया है। अब इन सबको अच्छे से मिला लेंगे और पानी की सहायता से एक अच्छा डो बनाकर तैयार करेंगे। देखिए, हमने पहले अच्छे से गोभी और इन मसालों को मिक्स किया है और इसी से ही डो बनाने की तैयारी की है, क्योंकि यह उबली हुई गोभी है, इसमें ही मतलब पानी जैसा होता है गीला, तो पहले इससे ही डो बन जग के तैयार हो जाएगा। आवश्यकता अनुसार हमें थोड़ा सा पानी लेना पड़ा। देखिए, हम 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रख रहे हैं। अब 5 मिनट के रेस्ट के बाद हमने देखा बिल्कुल तैयार हो गया है। देखा, हाथों में नहीं चिपक रहा, बिल्कुल सेट हो गया आटा। और हमने एक एक छोटी छोटी सी बॉल बना ली है। देखिए, सारे फ्लेवर दिख रहे हैं। एक दूसरी साइड हमने कढ़ाई पे गैस तेल गरम करने के लिए रख दिया है। यह हमने हाई फ्लेम पे तेल गरम किया है। उसके बाद अब जब बॉल डाल रहे हैं तो हमने मीडियम टू लो फ्लेम रखा है। सारी बॉलें हमने एक साथ डाल दी है। हमने ज़्यादा तेल लिया है कढ़ाई में, इस वजह से आपके आवश्यकता अनुसार ले सकते हो। अब हम लो फ्लेम पे इन्हें अच्छे से पकाएंगे। लो फ्लेम पे इस वजह से ये कुरकुरी हो जाएंगी, नहीं तो अंदर से पक नहीं पाएगी यदि हाई फ्लेम रखेंगे। देखिए दोस्तों, हम एक एक करके हम निकाल रहे हैं इन बॉलों को, बिल्कुल रेड कलर की हो गई है ना। तब दोस्तों, यह नाश्ता बहुत ही क्रिस्पी बनने वाला है, आप भी बनाकर देखना। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, शेयर करना। देखिए, हम तोड़ के भी दिखाया आपको ये कितने क्रिस्पी होने हैं, खसखस वाले। देखिए, ये आपको भी वीडियो बहुत पसंद आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।